एससी एसटी एक्ट को लेकर देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांता करदम जी हैं, जो एमपी इलेक्ट हैं राज्यसभा के लिए। मैम, देश में इस तरह के बवाल हो रहे हैं, दंगों जैसी स्थिति हो गई है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आज रिट डाल दी है सरकार ने, और सरकार जो है अपने दलित समाज के भाइयों के साथ में है। और जो आज ये दंगे हो रहे हैं, या जिन लोगों ने ये दंगे करवाने का जो काम किया है, तो वो जनता के लिए जो सरकारी चीजें जो तोड़फोड़ हो रही हैं, तो ये आम पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी जो मैंने अभी देखा है कि जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, या आम आदमी हैं जो सड़कों पर रहे हैं, उनके साथ में तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो मारपिटाई कर रहे हैं, पता नहीं किसको चोट लग रही है, किसको नुकसान हो रहा है, तो आपको भी नहीं मालूम हो रहा है, इसके मैं जानकारी नहीं मिल रही है। पता नहीं कौन कौन आप ऐसे गुंडे, ऐसे आप कौन लोग आपके साथ में भी खड़े हो रहे हैं, ये इसके साथ में शामिल हो जा रहे हैं, तो ये नुकसान हो रहा है जनता को भी। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें दलित समाज का भी हो सकता है, अन्य कोई भी किसी भी समाज का हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप लोग जो शांति बनाए रखें, और सरकार आपके साथ है। राहुल गांधी भी एससी एसटी एक्ट को लेकर मोदी सरकार का निशाना साध रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखें, इनके दादी और इनके परिवार ने बाबा साहब के लिए क्या किया है, बाबा साहब को जो रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जो इस जाति के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी करती है, इतना और अन्य किसी पार्टी ने करा, किसने चिंता करी है? कभी उनके साथ में कोई भी घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन साथ आ रहा? कोई सी पार्टी भी खड़े होने को तैयार नहीं है उनके साथ में, कोई पार्टी उनके साथ में कभी खड़ी नहीं होती है। कभी बहन बेटियों के साथ में कोई घटना भी अगर हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां तुरंत वहां जाकर उनको संभालती है, उनके साथ में खड़ी रहती है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। आप जो भी जिस तरह की भड़काने वाली जो ये बातें कर रहे हैं, ये दूसरी सरकारों के जो विपक्ष के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी बैंक वोट के लिए ये कर रहे हैं। आप देखो इस देश के हित में क्या है, यहाँ के हित में क्या है। आप जो बाबा साहब ने इतनी कुर्बानी दी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, तो आप जो है आप उनके बच्चे हैं, और हम लोग जो है अपना एक भगवान की तरह उनको हम मानते हैं। तो हम लोग जो है ये आज जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये हमें नहीं सिखाया बाबा साहब ने। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग शांति बनाए रखें, सरकार आपके साथ में और आपके हित में रहेगी हमेशा। ट्रेनों को रोका जा रहा है, शायद उसमें कोई बीमार होगा, दलित भी होंगे, तमाम परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में भी छात्रों के साइकिल को जला दिया गया, जो कि काफी दुखद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सरकार ने उस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है, तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान निकालेगा। लेकिन दंगे किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। शांति कायम रखिए।